मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला मैं अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो अशोक गहलोत जी ने महंगाई रात कैंप लगाकर लोगों को फायदा दे रहे हैं, और इतना बड़ा फायदा, महिला तो इतनी आ रही है कैंपों में, गीत गाती आ रही है, लोगों को ये कहती है कि ये अशोक गहलोत का भला हो। ये आज के दिन कैंपों में हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, और पैकेज दिया था बिजली का, देखिए किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री, आपको 100 यूनिट लोगों को हर घरेलू कनेक्शन को देने का फ्री का काम किया है। जो आज हर आदमी को राहत देने का काम किया, वो 50-20 किलो आटो, 1 किलो दाल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो तेल, मिर्ची, हलद, नमक, 1 करोड़ आदमियों को देने का काम अशोक गहलोत ने किया। यार क्या बात, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अशोक गहलोत जी ने गैस 500 रुपया में 70 लाख लोगों को देने का काम किया है। अशोक गहलोत जी ने वो काम किया है, लोगों को, हर आदमी को आधे किए। मैंने एक स्कूल में जाकर आया था बच्चों के पास में, तो बच्चों ने मैंने पूछा भाई तुम्हारी फीस कौन दे रहा है, कि अशोक गहलोत दे रहा है। आपका कपड़ा कौन करा रहा है, कि अशोक गहलोत करा रहा है। किताबें कौन दे रहा है, अशोक गहलोत दे रहा है। और दूध कौन पिला रहा है, अशोक गहलोत पिला रहा है। तो माँ पिलाती है, अशोक गहलोत पिलाता है। मैं अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हृदय की गहरा से। अशोक गहलोत जी एक बहुत ही गांधीवादी नेता है, इसके ऊपर कोई मोदी जी जैसा आदमी अशोक गहलोत की प्रशंसा करता तो समझ लो नहीं आप कितना बड़ा आदमी है, राष्ट्रीय लेवल का आदमी है अशोक गहलोत जी, कोई कम हस्ती नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल्कुल ना मुख्यमंत्री बनेगा चौथी बार। और मैं कहना चाहता हूँ, ये तो एक भगवान के रूप में मैंने जनता की सेवा के लिए उतरा है। ये तो पहले कहते तो बाबा रामदेव जी उतरे थे, अशोक गहलोत जी सेवा देने के लिए भगवान के रूप में उतरा है।